हाँ तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एडवांस कला। देखिए, ये नेट वाली साड़ी का कपड़ा है जिसका करने वाले हैं आज हम रीयूज़। देखिए कितना प्रिटी सा है, बहुत ही सुंदर है। तो इसमें से जितनी ज़रूरत थी उसे हमने फोर फोल्ड किया है, देखिए ऐसे। और हमें इसमें से कट करना है सर्कल। अब हम कॉर्नर से 12 इंचेस पे मार्क करेंगे। यहाँ से ऐसे मार्क करते जाना है। और यहाँ पे 11 इंचेस हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा नीचे करके 12 इंचेस कर लेंगे ऊपर से जो फोल्ड। अब हम इसे कट कर लेंगे। कॉर्न का हमने शेप दिया है फोल्ड करके, कॉर्नर से हमने 12 इंचेस पे मार्क किया है और इस तरीके से हमने नीचे से कट कर लिया, देखिए। और फिर हम ऊपर से कितना कट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 इंचेस होना चाहिए। इस तरीके से ऊपर से हमारे ऊपर का जो कपड़ा है वहाँ पे मार्क कर लीजिए और देखिए 2.5 इंचेस पे हमें मार्क करते जाना है और इसे कट कर लेना है। इसे कट करने के बाद देखिए एक बड़ा सा सर्कल बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक कॉटन का अस्तर ले रहे हैं। तो इसे हमने कैसे कट किया है, तो इसे फोल्ड ही किया है और कॉर्नर पे हमने ऐसे रख दिया है ताकि जो सेंटर का सर्कल है उसका नाप लेके हमें मार्क करना है। और यहाँ पे हम 2 फिंगर जितना कम कट करेंगे, देखिए 2 या 1 फिंगर जितना दोनों साइड से। और हमें ये नीचे का सर्कल है उसी के नाप से ज़रूरी नहीं है कट करना, अस्तर थोड़ा सा छोटा कट कर सकते हैं। और अगर आपको सेम कपड़ा कम है तो ऐसे कट करिए, नहीं तो आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप सर्कल कट कर सकते हैं पूरे का पूरा, जैसे हमने पहले नेट के फैब्रिक में किया वैसे। अब हम क्या करेंगे, ये जो अस्तर है उसे नीचे से फोल्ड करके कुछ ऐसे आपको फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया है और दोनों पार्ट को फोल्ड करके हम साइड से जोड़ देंगे, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट है ना, तो इसे हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है उसमें मैंने ये लेस अटैच की है, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो अटैच कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से हम लेस को नीचे की ओर अटैच कर सकते हैं। अगर लेस नहीं है आपके पास एम्ब्रॉयडरी मशीन है तो आप उसमें पिको भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से लेस अटैच कर लीजिए। लेस को अटैच करने के बाद मैंने देखी यहाँ पे कितनी प्रिटी लग रही है ना, प्यारी प्यारी। आप इसे स्कर्ट भी बना सकते हैं, वैसे इसके अंदर हम अस्तर जो रेडी किया था उसे डाल दीजिए और ये सर्कल के साथ जोड़ दीजिए। कितना प्रिटी सा लुक आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 12x8 इंचेस का ये पार्ट, इसी के नाप से अस्तर कट कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर ऊपर का जो चोली का पार्ट होता है ना बेबी का, वो कट करेंगे। तो 4 इंचेस पे मैंने शोल्डर पे मार्क किया और 4 इंचेस पे आर्म होल पे मार्क किया है। और यहाँ पे हम नेक का मार्क लगाएंगे 2 इंचेस पे और आर्म होल को कट कर लेंगे। और हाँ, ये मैं 1 ईयर गर्ल के लिए बना रही हूँ। और बैक साइड का जो पार्ट है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 2 फिंगर जितना हमें नीचे से 1 इंचेस या 2 फिंगर जितना बैक साइड का पार्ट कट करना है। और यहाँ पे आपको 2.5 इंचेस पे कट करके फ्रंट का नेक कट करना है। इसके ऊपर हमने ये कपड़ा रखा है उल्टा और यहाँ पे स्टिच करें, नेक पे स्टिच करें, आर्म होल पे और नीचे स्टिच कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा था वो कट कर लिया और जहाँ पे राउंड से पारा था वहाँ पे नॉचेस लगा लिए। अब हम इसे सीधा करेंगे, इसके ऊपर कर देंगे टॉप स्टिच हो जाए उसके साथ। ये हमने बैक साइड के जो अलग अलग पार्ट सेंटर से कट किए थे सेम वही तरीके से अटैच किए और सीधा करके टॉप स्टिच किया। 8x3 इंचेस की ये स्ट्रिप ली है जिसे ऐसे फोल्ड करके हम देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर रख देंगे, ऐसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर स्टिच हो जाए उसके बाद आपको दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखना है, यहाँ पर छोड़ देना है। ये दूसरा पार्ट हमारा जुड़ चुका है। अब आप क्या करें, दोनों का शोल्डर जोड़ लीजिए ऊपर से। शोल्डर को जोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने ये साइड से प्लेन स्ट्रिप कट कर ली थी, जितनी भी आप लंबाई रखना चाहे रख सकते हैं और ऐसे प्लेट ले लीजिए। फिर ये सीधा करें और यही देखिए यहाँ पे साइड में आपको इस तरीके से
राउंड राउंड में स्टिच करते जाना है कुछ इस तरीके से और अटैच करना है। देखिए ये कितना प्रिटी सा फ्लावर बनकर रेडी हो गया। अब हम साइड में स्टिच कर लेंगे। साइड में स्टिच हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने पार्ट रेडी किया था उसे अंदर की ओर जाने दें और पूरे राउंड में स्टिच कर लें, ये देखिए। और अब हमारा बेबी फ्रॉक बनकर रेडी है। तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, वंदे मातरम।